हेलो दोस्तों, मैं बिलाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 2 यानी दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि दो ध्रुवीयता है क्या, है ना, आखिर उत्पत्ति के कारण क्या रहे इसके, है ना। तो जैसे आपको नाम से ही परिचित हो रहा है कि दो ध्रुवीयता यानी दो ध्रुवों में बटा होना। जिस प्रकार से हमारी पूरी जो पृथ्वी है दो गोलार्धों में बटी हुई, जिसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से शीत युद्ध के दौरान हमारा पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, दो भागों में बटा हुआ था। आप कह सकते हैं कि एक भाग जो था सोवियत संघ था और दूसरा अमेरिका। तो जब दुनिया दो गुटों, दो संगठनों, दो भागों में बटी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, दो ध्रुवीय विश्व कहते हैं। और दो ध्रुवीय विश्व अगर आप सही प्रकार से कह रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी तमाम दुनिया दो गुटों में बटी रही। और दो गुटों में बटने का एक और कारण था कि जितने भी विकसित जो देश अभी आज़ाद हो रहे थे, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्हें अपने विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए ऐसे किसी न किसी संगठन की आवश्यकता थी ताकि वो अपना विकास कर सके। और इसी ने भी क्या कर दिया, दो ध्रुवीय विश्व क्या दिया, जन्म दिया। आप क्योंकि एक हमारे राजनीतिक विचारक हैं, आप जानते होंगे उनका नाम क्या है, हंसे मरगंथव कहते हैं। उनके अनुसार क्या है कि जब महायुद्ध समाप्त होता है तो अमेरिका और सोवियत संघ के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई गुट मौजूद नहीं था कि वो इनकी शक्ति को संतुलन कर सके। शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि बराबर कर सके, यानी इन दो गुटों के अलावा कोई तीसरा गुट शक्तिशाली नहीं था। अगर कोई गुट इनकी शक्तियों को संतुलन कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ ये दो गुट खुद ही थे, यानी सोवियत संघ या अमेरिका। और इसी स्थिति ने विश्व में दो ध्रुवीय विश्व को जन्म दिया। राइट, क्लियर। दो ध्रुवीय विश्व क्या है, यानी विश्व का दो गुटों में बटना, दो समूहों में बटना, राइट, इसे कहते हैं दो ध्रुवीय विश्व। अब बात करते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व की उत्पत्ति के कारण क्या रहे। तो दोस्तों, उत्पत्ति के कारण आपने पहले भी देखा होगा और पढ़ा भी है, क्या है, महायुद्ध, यानी दूसरे महायुद्ध की समाप्ति ने दुनिया में एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया कि दो गुटों के अलावा कोई दूसरा गुट बचा ही नहीं शक्तिशाली के रूप में। क्योंकि इसी इन्हीं गुटों के पास, अमेरिका कह लीजिए पूंजीवादी, सोवियत संघ कह लीजिए समाजवादी, यही दो गुट शक्तिशाली थे। और इसी शक्तिशाली गुट ने अपना दबाव पूरी दुनिया में बढ़ाना शुरू किया, यानी प्रेशराइज करना शुरू किया। राइट, ये पहला कारण था। दूसरा, शीत युद्ध का जन्म। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार ने भी दूसरे या ध्रुवीय ध्रुवीय विश्व यानी दो ध्रुवीय विश्व को जन्म दिया। अब जब दो शीत युद्ध का मतलब तो आपको पहले हमने चैप्टर बता दिया है, तो होता क्या है इसके दौरान, इसके दौरान अमेरिका खेमा और सोवियत खेमा दोनों में आगे निकलने की होड़ मची हुई थी। और आगे निकलने की होड़ में दोनों देश क्या कर रहे, शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रहे थे। और इसी शक्तिशाली और उसी शक्ति संपन्नता ने क्या किया, आपस में दोनों को क्या किया, गुटों में बांट दिया आगे निकलने की होड़ में। तीसरा दोस्तों क्या है, पुरानी महाशक्तियों का पतन। पुरानी महाशक्तियों का पतन, कौन सी पुरानी महाशक्तियां, यानी साम्राज्यवादी विस्तार के दौरान आप देखेंगे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऐसे बहुत से देश साम्राज्यवादी शक्तियां थी जो अब वो अकेले दम पर पूरे विश्व में शासन करने में सक्षम नहीं थी। क्योंकि 1945 या कह लीजिए दूसरे विश्व युद्ध के दौर के बाद, या कह लीजिए 1940 के दशक के आसपास, इन शक्तियों के पास इतने संसाधन मौजूद नहीं थे अब। क्योंकि इन सभी शक्तिशाली या कहें साम्राज्यवादी देशों ने अपना सारा संसाधन दूसरे महायुद्ध में झोंक दिया था। संसाधन समाप्त, क्योंकि पैसे के बल पर और आर्थिक ताकत के बल पर ही किसी दूसरे देश पर राज किया जा सकता था, जो इनके पास अब समाप्त हो गया था। अब रह गया कौन दोस्तों, अमेरिका। तो अमेरिका क्या बनाया, तो गुट बनाने की परंपरा शुरू कर दी और उस गुट में ये भी शामिल हो गए। लेकिन अब अमेरिका क्या था, शक्तिशाली था, इनसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। और इसी वजह ने क्या दिया, उत्पत्ति की, किसकी, दो ध्रुवीय विश्व की। चौथा कारण, अमेरिका के विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका। तो अमेरिका की विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका ने किस प्रकार दो ध्रुवीय विश्व को जन्म दिया। तो दोस्तों,
ये वजह इस प्रकार रही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार देख लीजिए या सेकेंड वर्ल्ड वार देख लीजिए, अमेरिका ने कभी स्वतंत्र तरह से यानी सीधे तौर पर कभी भी शामिल नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे युद्ध अपनी समाप्ति को बढ़ रहा था या अग्रसर हो रहा था, कौन सा युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो अमेरिका ने क्या कि आपको पता है कि अमेरिका ने क्या क्या था कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया, और इसने इस बम से ना सिर्फ अपने बम का परीक्षण किया बल्कि दुनिया को चेतावनी दे दी कि अब मैं पूरी तरीके से आ चुका हूं, अगर आपको आना है तो मेरे ग्रुप में शामिल होइए, अन्यथा आपके पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। ये वजह भी क्या रही, यानी दो ध्रुवीय विश्व के कारणों में से एक ही वजह रही ये भी। चलिए उत्पत्ति कारण पता चल गया, अब बात करते हैं लाभ की। लाभ क्या था दोस्तों इस दो ध्रुवीय गुटों का, यानी दो ध्रुवीय विश्व का, तो था दोस्तों विचारधाराओं को प्रोत्साहन मिला। विचारधाराएं कैसी, यानी दो विचारधाराएं विश्व पहले मौजूद थी, अमेरिका यानी पूंजीवादी विचारधारा, सोवियत संघ यानी समाजवादी विचारधारा। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से विचार थे जो विश्व में अपनी धाक बनाने की कोशिश कर रहे थे या अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें आप कह सकते हैं एक विचारधारा थी गुट निरपेक्षता की, तो अब ऐसा नहीं था तो ये लाभ रहा किसको, क्योंकि ये दोनों गुट आपस में आगे निकलने खोड़ में थे, तो एक तीसरा गुट भी आ चुका था, यानी विचारों के एक ऐसा गुट आ चुका था जो अब नौ स्वतंत्र राष्ट्रों के विचार लेकर पैदा हुआ और उसने क्या किया, गुट निरपेक्षता की शुरुआत करी। तो ये लाभ में से एक है। दूसरा लाभ क्या था उसका, शांति स्थापना में सहायक। शांति स्थापना में सहायक का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि जैसा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार ने मानवीय हानि पहुंचाई, हजारों लाखों संख्या में लोगों की जाने गई, मासूमों को जाने गई, सैनिकों की जाने गई जाई, साथ में आम नागरिक भी इस विवाद से दुर्घटना का शिकार हुए, उसके साथ साथ तमाम दुनिया को आर्थिक रूप से इस युद्ध पंगु बना दिया। पंगु का क्या मतलब होता है कि अब उनके पास इतने संसाधन नहीं बचे थे कि वो अकेला विकास कर सके, राइट। तो इस तरह से, लेकिन अब शांति में कैसे सहायक दिया इसने, अब इसने दूसरे विश्व युद्ध जैसा, यानी जो सेकंड वर्ल्ड वार था दोस्तों, कि शांति की स्थापना में क्या हुआ, सहायक हुआ। शांति की स्थापना में सहायक का मतलब है कि अब दोनों गुटों के पता था कि दोनों गुट क्या है, शक्तिशाली हैं, परमाणु संपन्न हैं, और दोनों देश अगर एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे तो दूसरा देश भी असुरक्षित रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर अमेरिका ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया तो अमेरिका बच जाएगा, या सोवियत संघ ने अमेरिका पर आक्रमण कर दिया तो सोवियत संघ बच जाएगा, नहीं, दोनों के बराबर बराबर क्षति होने की संभावना थी, और इसी संभावना ने क्या दिया, शांति की स्थापना में सहयोग दिया। और इसके अलावा एक बात बता चलो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है दोस्तों, 1945 में यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, और इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व में शांति की स्थापना की जा सके, और दोनों सदस्य यानी सोवियत संघ और अब अमेरिका दोनों किसके सदस्य थे, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए भी इसने क्या दिया दोस्तों, शांति में बढ़ावा दिया, यानी शांति में सहायक रहा, समझ गए, ओके। हानि क्या रही इसे, सबसे पहली हानि दोस्तों सशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। सशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि हथियारों की होड़, हथियारों को बढ़ावा देना, हथियारों में एक दूसरे की होड़ करना, चाहे वो परमाणु हथियार हो या मिसाइलें संबंधी हथियार हो, यानी दोनों देश अब अधिक से अधिक हथियार बढ़ाने लगे, और इसी चक्कर में क्या हो गया, संपूर्ण दुनिया में क्या हो गया दोस्तों, हथियारों की होड़ मच गई। दूसरी हानि इसकी दोस्तों क्या रही, युद्ध को बढ़ावा मिला। जब दुनिया में शस्त्रों को लेकर होड़ मच रही, होड़ लगी रही, तो इसने क्या किया, इससे युद्ध को बढ़ावा मिला। भले ही सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे बड़ा और भयानक युद्ध नहीं हुआ, लेकिन ऐसे छोटे मोटे युद्ध लगातार होते रहे और दुनिया शंका में जीते रही कि कभी ना कभी थर्ड वर्ल्ड वार होने की संभावना है। चलिए अब पतन, हानि समझ गए, लाभ समझ गए, अब हम पतन की बात करते हैं। तो मैं आपसे बताते चलूँ कि जब किसी चीज़ की स्थापना होती है और उसकी स्थापना में ही उसके अंत का कारण छुपा होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे दो ध्रुवीय विश्व के अंत का कारण इसी की स्थापना में छिपा हुआ है। अब अंत कैसे हुआ देखते हैं, कारण क्या रहे, अमेरिकी गुटों में फूट पड़ना दोस्तों। तो अमेरिकी गुटों में फूट पड़ने का मतलब क्या था, अमेरिका सर्वोच्च शक्तिशाली के रूप में अपने आप को दुनिया में दिखा रहा था,
कि मेरे से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। और इसी शक्तिशालीता को बढ़ाने के लिए, इसी सर्वोच्चता को बढ़ाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए अमेरिका द्वारा अनेक प्रकार के मिसाइलों का प्रयोग किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया और अन्य देशों में से अनेक सैनिक संगठन की स्थापना की गई जिससे वो अपना विकास कर सके। और यही विकास उसके देशों को रास नहीं आई और यही बढ़ावापन उसके सहयोगी संगठनों को पसंद नहीं आया और उनके मन में क्या फैला दोस्तों, अविश्वास फैलने लगा। अविश्वास किस बात को लेकर, कि कहीं अमेरिका हम पर ही आक्रमण ना कर दे या हमसे ही शक्तिशाली ना हो जाए, राइट। उसके बाद बात करेंगे दूसरा कारण दोस्तों क्या था, सोवियत गुट में फूट पड़ना। अब सोवियत गुट में फूट का कारण क्या था, जिस प्रकार से अमेरिका द्वारा क्या हुआ दोस्तों कि अमेरिका ने एक संबंध बनाया, यानी जिसे आप कहते हैं ना कि जो सोवियत संघ के देश थे वो सभी देश आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, परंतु सोवियत विचारधारा अपने सभी देशों से आगे निकलने के प्रयास कर रही थी और इसी प्रयास के चक्कर में सभी जो उसके संगठन के देश थे, अगर हम बात करें संगठन के देशों में रूस जो महत्वपूर्ण देश था, बेलारूस और योगोस्लाविया, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण संगठनिक देश थे जिन्होंने इस विचारधारा को नापसंद करने की शुरुआत कर दी और पूंजीवादी विचारधारा में अग्रसर होना शुरू कर दिया, जिसे हम देखेंगे शॉक थेरेपी में। इसी की चर्चा हम करने वाले किसमें, शॉक थेरेपी में किस प्रकार से साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं सोवियत संघ का पतन। 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है और सोवियत संघ का जैसे पतन हो जाता है वैसे ही दो ध्रुवीयता का अंत भी हो जाता है, क्योंकि शुरुआत क्या किसी भी थी, दोनों गुटों के आगे निकलने की, और जब एक गुट समाप्त हो गया तो ये दौड़ अपने आप ही क्या हो गई दोस्तों, समाप्त हो गई। अब बात करें हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की, यानी इसी के पतन के कारणों में से, कि सोवियत संघ और अमेरिकी की पूंजीवादी दौर में और इन दोनों खेमे से अपने आप को अलग रखने की होड़ ने एक नए गुट को जन्म दिया था जिसे हम किस नाम जानते थे, गुट निरपेक्षता के नाम से जानते थे। और गुट निरपेक्षता का उद्देश्य क्या था, ताकि विश्व में शांति की स्थापना हो सके और ये इन दोनों गुटों से अलग रहकर अपने अलग विचारधारा को बनाए रखे और अपना विकास कर सके, क्योंकि ये 9 स्वतंत्र राष्ट्र बहुत ज्यादा थे और ये जब उन गुटों में शामिल हुए नहीं तो विचारधारा अपने आप देते क्या होगी दोस्तों, यानी दो ध्रुवीयता का अपने आप सीधा समाप्त हो जाता है, यानी ये जब शामिल होते नहीं है तो जो दो गुटों में बटी हुई दुनिया थी वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चलेगी और वो अंततः समाप्त हो जाती है। तो पतन समझ गए आप, राइट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सोवियत प्रणाली की। सोवियत प्रणाली क्या है दोस्तों, जिस वजह से और जिसके कारण सोवियत संघ का अंत हुआ उसे आप क्या कह सकते हैं, सोवियत प्रणाली कह सकते हैं। अब है क्या सोवियत प्रणाली, समाजवादी व्यवस्था पर आधारित यह प्रणाली समतामूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी, यानी सोवियत प्रणाली की अगर हम बात करें तो यह समतामूलक समाज पर आधारित थी, यानी कौन से समतामूलक समाज, जिस समाज में सभी को समानता मिले है ना, संसाधनों पर समान बंटवारा हो, वैसा समतामूलक समाज पर आधारित थी। और ये दोस्तों क्या थी कि ये आदर्श कौन से आदर्श, समाजवाद के आदर्श, यानी समाजवाद का आदर्श का मतलब होता है कि पूंजीवाद नीतियों का विरोध करना। तो ये थी सोवियत प्रणाली, यानी सोवियत प्रणाली का अगर एक शब्दों में हम कहें तो सोवियत प्रणाली का मतलब होता है कि सोवियत यानी समाजवाद पर विश्वास करना, समतामूलक समाज पर विश्वास करना और पूंजीवाद का विरोध करना, यही क्या है दोस्तों, सोवियत प्रणाली। अब इसमें क्या क्या होता था, इसमें निजी संपत्ति की संस्था का विरोध किया जाता था। निजी संपत्ति की संस्था का विरोध का मतलब होता है दोस्तों कि सोवियत संघ में सभी संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, संसाधनों पर अगर किसी देश में कोई संसाधन है तो सोवियत प्रणाली क्या होगा दोस्तों, उस संसाधनों पर विश्व यानी उस देश के सभी लोगों का समान यानी बराबर बराबर अधिकार होगा, इसे हम क्या कहते हैं, सोवियत प्रणाली, यानी निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करना, यानी यहां पर पूंजीवाद बिल्कुल भी नहीं था। एक विशेषता इसकी अगर हम बात करें दोस्तों क्या हो सकती है कि सोवियत प्रणाली की धुरी साम्यवादी पार्टी थी, ये प्रणाली में से एक ही है, यानी आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सोवियत प्रणाली किस पर आधारित थी,
साम्यवादी प्रणाली प्रधारित थी, यानी इस पार्टी को हम जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनाइटेड, ठीक है ना, याद रखना। विशेषताएं क्या थी इस प्रणाली की, सबसे बड़ी विशेषता क्या दोस्तों, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली किसमें आधारित थी, समाजवाद पर आधारित थी, यानी समाजवाद का मतलब क्या होता है, संसाधनों पर सभी का समान बंटवारा होना। पूंजीवादी एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध, पूंजीवाद के विरुद्ध और मुक्त व्यापार के विरुद्ध, मुक्त व्यापार का मतलब होता है दोस्तों फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि मान लो भारत, यहां हम भारत में है, तो भारत में विश्व का कोई भी देश क्या कर सकता है दोस्तों, व्यापार कर सकता है, मुफ्त व्यापार। मुफ्त व्यापार की यहां पर उसे व्यापार करने के लिए किसी प्रकार को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, इसे हम क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड। और इसी मुक्त व्यापार के विरोध कौन करती थी, सोवियत प्रणाली, जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं। तीसरी विशेषता किसका है दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व। इस सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी इकलौती पार्टी थी और उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी यहां पर मौजूद नहीं थी, तो इसे हम कह सकते हैं कि सोवियत प्रणाली की तीसरी विशेषता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को ज्यादा महत्व प्रदान करना, इस पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का दबदबा सोवियत प्रणाली में मौजूद नहीं था। तो ये रही दोस्तों हमारी आज की क्लास, यानी सोवियत प्रणाली समझ लिया हमने, विशेषताएं देख ली इसकी और दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे शॉक थेरेपी के बारे में, बात करेंगे दोस्तों सोवियत प्रणाली का अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।